हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक फ्रेश टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब उसमें पर्टिकुलर मेटल का कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है ये सीखेंगे। हम लोगों ने मेटलर्जी में पढ़ा था, चार स्टेप के बारे में जाना था कि कैसे आप प्योरिफिकेशन करते हो मेटल, किसी भी ओर्स का प्योरिफिकेशन कैसे करते हो, फिर उसको ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हो, फिर उसको मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हो, और फिर मेटल को कैसे रिफाइन किया जाता है। इन चारों प्रोसेस के बाद हम लोग पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के पर चलते हैं जिसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। हम लोग सबसे शुरू में स्टार्ट करने वाले हैं जिंक। जिंक का कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, किस प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन होता है, चलिए वो सभी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का चैप्टर तो वही है, मेटल और नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल में मेटलर्जी जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का, उसी से रिलेटेड है। हम लोग एलिमेंट जो है वो जिंक को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जिंक का एक्सट्रैक्शन के बारे में। अगर बात करें जिंक की, तो जिंक के ओर के पहले बात करते हैं कि जिंक का कौन सा ओर्स होता है और वो ओर्स से कैसे इसको किया जाता है कन्वर्ट। तो बात करें जिंक का, तो जिंक का सिंबल जो होता है वो होता है Zn, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर 30। इसके मेन ओर्स के नाम है, मेन ओर्स जिंक ब्लेंड, जिंकाइड एंड कैलेमाइन, Zn(S), Zn(O) एंड Zn(CO3)। ये इसके मेन्स ओर हैं। इसी से जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका पहला प्रोसेस क्या है कि ओर को सबसे पहले आप क्या करते हैं, ओर को प्यूरिफाई करते हैं। तो ज्यादातर जो इसका एक्सट्रैक्शन होता है वो कैलेमाइन एंड जिंक ब्लेंड से होता है। तो फॉर एक्सट्रैक्शन, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओर्स को कलेक्ट करते हैं, इसको ग्राइंड अप करते हैं और उसका प्योरिफिकेशन करते हैं। तो ग्राइंडिंग ओर को क्या करते हैं, सपोज करो कि हम लोग जिंक ब्लेंड से स्टार्ट करते हैं, तो ग्राइंडिंग इम्प्योर जिंक ब्लेंड, ग्राइंडिंग इम्प्योर जिंक ब्लेंड कैन बी प्यूरिफाइड, कैन बी प्यूरिफाइड बाय फ्रूथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रूथ फ्लोटेशन मेथड क्या है वो आपको मैंने बताया है पिछले क्लास में, कि इसमें क्या होता है कि इस ओर्स को, ये ओर जो होता है जिंक सल्फाइड का ओर, वो लाइट वेट का होता है और इसमें जो इम्प्योरिटीज होता है वो हैवी होता है। तो इसको एक टैंक में लिया जाता है और उस टैंक में पाइन ऑयल डालकर उसमें बहुत ज़्यादा एयर प्रोड्यूस दिया जाता है, एयर डाला जाता है। एयर की वजह से वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोथ होता है, फेन होता है, और उसमें लाइट वेट का जिंक ब्लेंड ऊपर फेन के साथ आ जाता है और जबकि हैवी इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाता है। वहाँ से आप प्योर जिंक ब्लेंड निकाल लेते हो। जिंक ब्लेंड निकलता ही, जैसे ही जिंक ब्लेंड निकलता है तो ये सल्फाइड ओर है। तो सल्फाइड ओर के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है रस्टिंग। प्यूरिफाइड ओर को हम लोग क्या करते हैं, रस्टिंग के प्रोसेस से उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो देखो ऑक्साइड में ये कैसे कन्वर्ट होता है। व्हेन प्यूरिफाइड ओर इज ट्रीटेड विथ एयर एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, देन इट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। ओके, ये रोस्टिंग किया जाता है। रोस्टिंग करने के बाद क्या होता है, क्या किया जाता है, जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट जब करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हीट जब देते हैं, तो ये क्या होता है, जिंक ऑक्साइड
और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहां पर ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। पहला प्रोसेस क्या था? पहला प्रोसेस था कि आप पहले प्यूरिफाई करें, फिर प्यूरिफाई ओर को क्या कर सकते हैं, आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए दो प्रोसेस है। तो यहाँ पे स्मेल्ट रस्टिंग का यूज किया गया है, बहुत जगह पर कैल्सिनेशन का यूज किया जाता है। कैल्सिनेशन का यूज वहां पर होगा जहां पर कार्बोनेट यूज करता है। अगर मान लो कैलेमाइन से होता तो यहाँ पर हम लोग को यूज करना पड़ता जो कैल्सिनेशन है, उसके बारे में भी हम लोग चले हैं। कैलेमाइन से कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। तो ये जिंक ऑक्साइड हो गया। अब दूसरा प्रोसेस, अगर हम लोग वही चीज कर रहे हैं, अगर कैलेमाइन से करते हैं तो कैलेमाइन से क्या होगा, तो वहां पर कैलेमाइन से करने के लिए हम लोग को कैल्सिनेशन करना होगा। कैल्सिनेशन क्या होता है, जो एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर। तो उसके बारे में देखो क्या होता है। व्हेन प्यूरिफाइड ओर, यहां पे कैलेमाइन लेंगे, फॉर्मूला ZnCO3 है, कैलेमाइन ओर, व्हेन प्यूरिफाइड ओर कैलेमाइन ओर इज हीटेड बिलो इट्स melting point at the absence of air, it converted into oxide of metal. This process is known as calcination. Calcination बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट है, इसको हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर पर और मेल्टिंग पॉइंट से कम पर। तो ये क्या होता है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। तो आपने देखा था इसके पहले रस्टिंग होता था, तो रस्टिंग वाला देख लेते हैं। ZnS ये था, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर लेता था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्साइड बना रहा है और यहां पर बिना ऑक्सीजन के ही यहाँ पर ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये प्रोसेस कैल्सिनेशन है विदाउट एयर और ये प्रोसेस रस्टिंग है विथ एयर। तो जब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तब क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद कौन सा प्रोसेस आता है? तो तीसरा स्टेप था कन्वर्ट इनटू मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए स्मेल्टिंग किया जाता है। आप लोगों को पता है कि स्मेल्टिंग किसको बोलते हैं, जब इसका रिडक्शन कराया जाएगा, ऑक्साइड है में कन्वर्ट हो गया, जब इसका रिडक्शन कराते हैं वो भी कोक के प्रेजेंस में, तो स्मेल्टिंग कहलाता है। और ये उस समय ओर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी उस समय मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कोक, इट गिव्स जिंक मेटल। This process is known as smelting. इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि ZnO है, ये कोक के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो ये Zn प्लस CO बनाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। या फिर ये भी आ जाए, ये 2ZnO है, अगर ये कोक से रिएक्ट करेगा तो ये Zn प्लस CO2 बनाता है। तो आप देख रहे हो कि दोनों ही प्रोसेस में, चाहे वो रस्टिंग से मिला हो चाहे वो कैल्सिनेशन से बना हो, वो कोक के प्रेजेंस में रिड्यूस्ड हो जाएगा और रिड्यूस होने के बाद वो जिंक
मेटल देता है। अब ये जिंक मेटल पूरी तरीका से प्यूरिफाइड नहीं है, तो इसको प्यूरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस यूज कर सकते हैं, या फिर लिक्वेशन यूज कर सकते हैं, या फिर डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोसेस से इसको प्यूरिफाई कर सकते हो, तो इस तरह आपको जिंक जो है प्योर जिंक आपको मिल जाता है। तो ये प्रोसेस है जिंक को एक्सट्रैक्ट करने का। अब मैं बात करने वाला हूं एक और नए मेटल की, जिसका नाम है फेरस। ओके, आयरन, फेरस बोलो, आयरन बोलो, आयरन का लैटिन नेम फेरस है। ओके, सिंबल Fe होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके बारे में, वो कैसे प्यूरिफाई होता है। आयरन सिंबल जो होता है वो होता है Fe, एटॉमिक नंबर होता है 26। Z से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, इसलिए यहां पे 26 लिख लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 14 2। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक और देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये इस तरफ में आ जाएगा, ये इस तरफ में आ जाएगा, ये 3d6 4s2। तो ये एक्चुअली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हो। मेन ओर कौन सा है? मेन ओर में इसका नाम आता है हेमेटाइट, Fe2O3। ये ज्यादातर जो ब्राउन हेमेटाइट भी होता है, तो ज्यादातर जो होता है ओर, इसका यही मेन ओर है ब्राउन हेमेटाइट। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड रहता है, ब्राउन हेमेटाइट ऐसा होता है Fe2O3 × 2H2O। ये ब्राउन हेमेटाइट हेमेटाइट के नाम से फेमस है। तो हेमेटाइट या ब्राउन हेमेटाइट से ही इसको निकाला जाता है। तो इसका प्रोसेस क्या है? इसमें भी वही सारा प्रोसेस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्यूरिफाई करना होगा। प्यूरिफाई करते हो ओर्स को, ओर्स को फिर कन्वर्ट करते हो ऑक्साइड में, ऑक्साइड से कन्वर्ट करने के बाद उसको मेटल में, और मेटल को फिर से प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें देखो, इसमें एक स्पेशल टाइप का फर्नेस यूज किया जाता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे डिफरेंट रिएक्शन होता है, जिसके में इसमें प्रेजेंट इंप्योरिटीज कैसे खत्म होता है और कैसे आपको मिलता है आपको प्योर मेटल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि इसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हेमेटाइट ओर को लिया जाता है, हेमेटाइट ओर ये है, या ब्राउन हेमेटाइट, दोनों में से किसी एक को लिया जाता है। और इसमें जो इम्प्योरिटीज है, जैसे सैंड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर बहुत ईटा पत्थर, ये सब इम्प्योरिटीज जो है उसको पहले उसको चूर किया जाता है, क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद इसको वाटर से साफ किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद सबसे पहले ग्राइंडिंग ओर इज सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेटिक सेपरेशन से इसको अलग किया जाता है, क्योंकि फेरस जो है मैग्नेटिक नेचर का है। मैंने बताया था, जब मैंने आपको मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में पढ़ाया था, उस समय बताया था कि इसमें ऐसा एक ऐसा होना चाहिए, चाहे ओर हो चाहे इम्प्योरिटीज हो, जो मैग्नेटिक होता है। जो ज़्यादातर मेटल ही एलिमेंट ही ऐसा होता है जो कि आपको मैग्नेटिक नेचर का मिलेगा, तो फेरस मैग्नेटिक नेचर का है। तो यहाँ पर इसका सेपरेशन जो किया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन से किया जाता है। और मैग्नेटिक सेपरेशन का क्या प्रोसेस था कि दो व्हील होता था, एक मैग्नेटिक व्हील है, ये मैग्नेटिक व्हील होता था, और ये नॉन मैग्नेटिक व्हील होता था। और ये व्हील क्या होता है, हमेशा घूमते रहता है, और यहां पर हम लोग डालते हैं ओर्स को। जैसे ही ओर यहां पे आता है इंप्योरिटीज के साथ, तो जो मैग्नेटिक नेचर का फेरस है वो ये मैग्नेटिक व्हील में चिपका हुआ रहता है, और यहाँ पे आकर नीचे गिरता है, जो हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, जबकि इसका इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक होने की वजह से यहीं पर गिर जाता है। तो आप यहाँ से प्योर ओर आप लोग को मिल जाता है। प्योर ओर को क्या कर सकते हैं, प्योर ओर को फिर से वाटर के
वाटर के वेव से निकाला जाता है। वाटर के वेव से निकालने से क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो यहां पर फेरस के ओर के साथ चिपक के आ गए हैं वो निकल जाता है। उसको निकलने के बाद दूसरा प्रोसेस होता है प्यूरिफाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इसको इसका भी रस्टिंग प्रोसेस किया जाता है। रस्टिंग क्या है वो अभी मैंने जस्ट बताया कि उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे हीट करेंगे ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहले से ही ऑक्साइड में दिख रहा है, ये ऑक्साइड में रहता है लेकिन इसमें बहुत सारा इंप्यूरिटीज है, जैसे सिलिका, सिलिका मतलब कि सैंड पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो सब कैसे अलग होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर वो ऑक्साइड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको फिर से स्मेल्टिंग कराया जाता है, कोक के प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाता है, तो वो हम लोग को एफी मिलता है। तो एक एक करके प्रोसेस के बारे में देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि फेरस, अभी तक हम लोगों ने देखा कि फेरस को मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू उसके ओर को प्यूरिफाइड कर लिया गया है। अब क्या होगा, प्यूरिफाइड ओर हेमेटाइट इज converted into oxide by the process of rusting। ठीक है, पहले rusting कराया जाता है, उसके बाद purified ore जब rusting में हो जाता है तो oxide of Fe get reduced in the presence of coke and convert into iron, ये iron में convert हो जाता है। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का फर्नेस होता है, और फर्नेस का हीट बहुत ज्यादा होना चाहिए, कम से कम नहीं कुछ तो वहां पे हीट 2000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहां पे हीट दिया जाता है। ये फर्नेस में निकाल कर किया जाता है। ये कैसे होता है वो फर्नेस बना के मैं बताता हूँ। उसमें लेयर वाइज रिएक्शन होता है और लास्टली आपको फेरस मिलता है। तो पहला काम क्या किया गया, हेमेटाइट को प्यूरिफाई किया गया, फिर उसका रस्टिंग किया गया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ऑक्साइड से फिर रिडक्शन करा के उसको आयरन में कन्वर्ट किया गया, आयरन को प्यूरिफिकेशन किया गया डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो देखो यहाँ होता क्या है, एक फर्नेस बनाते हैं और समझते हैं वो कहाँ पर कैसा रिएक्शन हुआ है। लगभग ऐसा ही फर्नेस लिया जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा ये 1500 डिग्री टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर और भी ज्यादा रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। ये मेल्ट किया हुआ यहाँ पर ओर को लिया जाता है, मेल्टेड ओर लिया जाता है। ठीक है, मेल्टेड ओर क्या लिया जाता है, यहाँ पर नीचे में जो बहुत टेम्परेचर जोन होता है इस जोन को कंबशन जोन बोला जाता है। ओके, ये नीचे वाला पार्ट जो है लोअर जोन, ये कंबशन जोन होता है। कंबशन जोन में क्या होता है कि कार्बन जो होता है वो यहां पर कोक प्रेजेंट रहता है, तो कोक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कोक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हीट देता है। ये इस फर्नेस की हीट को बढ़ाने का रीजन यही है, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देता है, और हीट जब ये और ऊपर चलता है, ये मिडिल लेयर में आता है, मिडिल जोन में आता है, तो वहां पर कुछ रिएक्शंस होते हैं। क्या रिएक्शन होता है चलो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, तो यहाँ पर इसमें जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब जाता है तो ये डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो इम्प्यूरिटीज है वो कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में। इसमें एक और इम्प्यूरिटीज रहता है जिसका नाम है सैंड पार्टिकल। मैंने पहले भी बताया था आपको कि SiO2 यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है और कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है।
ये कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, ये भी इंप्योरिटीज यहां पर निकल गया। आपको इसमें जितना भी इंप्योरिटीज है वो अब क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। यहां पर कैल्शियम सिलिकेट बनकर इसका इंप्योरिटीज, एक इंप्योरिटीज निकल गया और कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा इंप्योरिटीज निकल गया। अब इसका सारा इंप्योरिटीज क्या होता है, फिनिश हो जाता है। तो यहां पर एक और मिडिल लेयर में जो एक और रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कोक से फिर से रिएक्ट करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है, कोक से, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत यूजफुल है इसके एक्सट्रैक्शन में। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, जब Fe तक पहुंचता है तो Fe का जो ऑक्साइड बना हुआ है जो स्मेल्टिंग प्रोसेस से आता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से जैसे ही रिएक्ट करता है ये प्योर Fe और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसके साथ साथ अगर Fe2O3 है, ये हेमाटाइट ओर भी है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके Fe रिलीज करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब इसको आप बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस होगा 3-3। तो यहाँ पर ये बैलेंस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड से ये रिएक्ट करके Fe दे देता है। अब इसका प्यूरिफिकेशन आप करा सकते हो, बहुत सारा प्रोसेस होता है प्यूरिफिकेशन के लिए। तो इस तरह से हम लोग फेरस का एक्सट्रैक्शन कराते हैं। ये फर्नेस बहुत जरूरी है क्योंकि ये फर्नेस के वजह से ही इसमें प्रेजेंट इंप्योरिटीज अलग होता है। अगर ये फर्नेस नहीं होगा, बहुत ज्यादा हीट नहीं मिलेगा, तो इसमें जो प्रेजेंट है इंप्योरिटीज जैसे सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट ये सब अलग नहीं हो पाएगा। एक बार मैं फिर से शुरू से बता देता हूं क्या होता है। फर्स्ट जो लोअर लेवल है, जो कंबशन जोन है, वहां पर कोक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और बहुत ज्यादा हीट देता है। वहां पर ओर जो होता है मोल्टन स्टेट में रहता है। उसके बाद जब मिडिल जोन में जाते हैं तो उसका जो इंप्योरिटीज होता है कैल्शियम कार्बोनेट वो ब्रेक हो जाता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से रिएक्ट करता है, जो उसका दूसरा इंप्योरिटीज है सिलिका, उससे रिएक्ट करता है और कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। इसी जोन में कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला हुआ रहता है, जो लोअर जोन में हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो ऊपर जाता है तो कोक से फिर से रिएक्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा यूजफुल है इस एक्सट्रैक्शन में। ये कार्बन मोनोऑक्साइड फेरस ऑक्साइड से रिएक्ट करके प्योर Fe को देता है या फिर हेमेटाइट ओर से रिएक्ट करके ये Fe को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इस तरह से फेरस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि जिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फेरस को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्युमिनियम के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।